हाय बच्चों, वेलकम टू सीजी शिक्षा। सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हाउ आर यू, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक होंगे। चलिए, टुडे टॉपिक इज विंटर सीजन। ओके, तो आज हम विंटर सीजन, जिसको हम हिंदी में शरद ऋतु बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विंटर सीजन। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे आपको क्या है, एक बहुत ही प्यारा पिक्चर दिखा रहे हैं, जो कि एक विंटर सीजन का पिक्चर है। ठीक है, और इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और बाकी सब भी बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप भी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना इंजॉय। तो देखिए, ये आपका जो टू गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। और स्नो का मतलब क्या होता है? स्नो का मतलब बर्फ होता है, जो कि आपका विंटर सीजन में ही गिरता है। कहाँ से गिरता है? तो बादल से गिरता है। ठीक है, क्या गिरता है आपके? क्लाउड से स्नो गिरता है, स्नो फॉल होता है। ओके, और वो देखिए यहाँ पे स्नो क्या है, थोड़ा थोड़ा फॉल हो रहा है ना, यहाँ पे, है ना, दिख रहा है आप लोग को? और उसका बच्चे कैसे इंजॉय करते हैं, बच्चे उसको कैसे इंजॉय करते हैं, उसका बॉल बनाते हैं, बर्फ का बॉल बनाते हैं, और एक दूसरे को मार मार के खेलते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, है ना। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक पूल बना हुआ है छोटा सा, और इसके अंदर में वाटर है, और वाटर में से यहाँ पे सब कोई क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग का मतलब होता है मछली को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी फिशिंग कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बर्फ का देखिए पुतला भी बना हुआ है, जो कि कौन बनाया है, जो कि ये जो खेल रहे हैं ना, वही लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पे फिश भी है, फिश को निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ से फिशिंग किए, ये देखिए यहाँ पे से फिश को क्या किए, निकाल के इसमें रखे हुए हैं। नेक्स्ट, तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारी सी कौन है, ये गर्ल है। अच्छा, हम बताइए, विंटर सीजन में जब शरद ऋतु होती है तो हमको कौन से कपड़े पहनने चाहिए? तो हमको गर्म वाले कपड़े पहनने चाहिए, जो कि किससे बनते हैं, जो कि ऊन से बनते हैं। और ऊन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उनको हम इंग्लिश में बोलेंगे वूल। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है वूल। नेक्स्ट, अब देखिए गर्ल क्या क्या पहनी हुई है, गर्ल गर्म कपड़े में क्या क्या पहनी हुई है, तो ये आपका कैप पहनी हुई है। ओके, नेक्स्ट वन इज मफलर, स्वेटर एंड ग्लव्स और सॉक्स। अच्छा, और ये कौन से कलर का पहनी हुई है, ये सारे का सारा अपना जो स्वेटर है और मफलर है और कैप है, उसको ग्रीन कलर का पहनी हुई है। ठीक है, बहुत ही प्यारी लग रही है ना। और देखिए इसके हैंड में थोड़ा सा स्नो भी रखी है अपने पास, स्नो बॉल, बर्फ का गोला भी रखी है। चलिए नेक्स्ट, वाह, तो अब हम सिंगल सिंगल देखते हैं कौन कौन सा क्लॉथ है। ठीक है, तो ये है आपका स्वेटर, मफलर, कोट, कैप, शूज, बूट एंड स्वेटर, कैप, ग्लव्स, सॉक्स। ओके, हमने फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये है आपका स्वेटर, मफलर, कोट, कैप, शूज, बूट एंड स्वेटर, सॉक्स, ग्लव्स एंड कैप। वेरी गुड। और देखिए ये बहुत ही प्यारा सा क्या है आपका, स्वेटर का सेट दिया हुआ है ना, स्वेटर का और आपका क्लोथ का बहुत ही प्यारा सेट दिया हुआ है। अच्छा, तो अभी ये कौन से कलर का है बताइए, ये है आपका रेड और ग्रीन कलर का। कौन से कलर का है? रेड और ग्रीन कलर का है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ दिया हुआ है, ये बड़ा बड़ा क्या दिया हुआ है, जिसको हम हैंड में पहनते हैं, हम ग्लव्स को हैंड में पहनते हैं ना, हम ये वाला ग्लव्स को क्या में पहनते हैं, हैंड में पहनते हैं। ओके, देखिए कलरफुल क्या दिया हुआ है, आपका क्लॉथ दिया हुआ है ना। नेक्स्ट, ओके बच्चों, तो आप बताइए कि आपको विंटर सीजन में क्या खाना और पीना पसंद है, बताइए।
अच्छा हम बताएं, हमको तो सूप पीना बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है ना? हाँ, तो हम विंटर सीजन में क्या पीते हैं? सूप पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और टी पीते हैं। क्या क्या पीते हैं? सूप, कॉफ़ी एंड टी। क्या क्या पियेंगे? सूप, कॉफ़ी एंड टी। ओके, तो हम गर्म चीज़ें पीते और खाते हैं किस में? विंटर सीजन में। नेक्स्ट, ओके, विंटर सीजन वेजिटेबल। अच्छा आप बताइए कि विंटर सीजन में कौन कौन से वेजिटेबल हमको अवेलेबल हो जाते हैं, हमको मिल जाते हैं? तो विंटर वेजिटेबल्स, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हमको, कौन कौन सी सब्जियां मिल जाती है। तो कॉलीफ्लावर मिल जाता है, कॉलीफ्लावर एंड रेडिश, मूली। नेक्स्ट वन इज कैरट एंड पी। अच्छा इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉलीफ्लावर को हम हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे? फूल गोभी। और रेडिश को बोलेंगे मूली, और गाजर को बोलेंगे, कैरेट को बोलेंगे गाजर, और आपका ये जो पी है, पी को क्या बोलेंगे? मटर। तो आपको इस सब, ये सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है बताइए? अच्छा मटर और गाजर ज़्यादा खाते होंगे, है ना? चलिए, तो हमको विंटर सीजन में ये फ्रूट, ये वेजिटेबल्स खाने ही चाहिए, ठीक है? तो आप अगर विंटर सीजन आता है तो आप ये ज़रूर खाइएगा, ठीक है? जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट, ओके, तो ये है विंटर। अच्छा आप ये बताइए विंटर सीजन में कौन से फ्रूट्स आप खाते हो? चलो हम बताते हैं विंटर सीजन में कौन कौन से फ्रूट मिलते हैं, ये देखते हैं, ठीक है? तो ये है आपका ग्रेप्स, ओके, और पोमीग्रेनेट एंड पाइनएप्पल। ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट एंड पाइनएप्पल, ये आपके विंटर सीजन के फ्रूट्स हैं, ओके। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं विंटर सीजन फ्रूट। ओके, नेक्स्ट ये है आपका GREPES, ग्रेप्स, PINEAPPLE, एप्पल। एंड POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स। हम ये कब खाते हैं? हम ये विंटर सीजन में खाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, विंटर सीजन में हाउस में ना जब ऊपर से बर्फ गिरता है ना, आपको ऊपर से स्नोफॉल होता है, तो ना हाउस ऐसे ढक जाता है और ऊपर में बहुत सारी ऊपर में स्नो रहते हैं यहाँ पे, ये देखिए है ना, है कि नहीं है, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये दो बच्चे जा रहे हैं, ये दो बच्चे साइकिल में जा रहे हैं साइकिलिंग करते हुए, और बहुत ही ज़्यादा विंटर को इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा फॉग टाइप दिख रहा है आपको, फॉग फॉग जो आपका एकदम धुआंधार टाइप का होता है ना, वैसा हो जाता है मौसम आपका, हो जाता है कि नहीं? आप एक बार विंटर सीजन में सुबह सुबह उठ के देखिएगा तो, ठीक है? नेक्स्ट, और देखिए, और एक चीज़ देखिए, क्या देखेंगे आप? एक बहुत ही प्यारा क्या बना हुआ है यहाँ पे, गुड्डा बना हुआ है, किससे? स्नो से एक पुतला बना हुआ है, बर्फ से एक पुतला बना हुआ है, जो कि एक मफलर भी पहना हुआ है, जिसकी नोज कैरेट से बनी हुई है, और वो एक कैप भी सुंदर से लगाया हुआ है, और वो कैप का कलर कौन सा है? और कैप का कलर रेड कलर का है ना? और देखिए ऊपर से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है आपका, छोटा छोटा स्नो फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही,
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।